आवेदक शिवराज सिंह, पिता विजय सिंह, निवासी ग्राम ढाबा, ग्राम पंचायत धुआंखेड़ी, जिला मंदसौर के ने शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा साहब को कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो एक पट्टा जारी करने के मुझसे 3,000 रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा है। इनको लोन के लिए पट्टा चाहिए था, तो इस शिकायत का सत्यापन कराया गया तो जो ग्राम सचिव था, ग्राम पंचायत का सचिव फूलचंद जजावरे, वो इनसे 3,000 रुपये मांग रहा था। इसकी पुष्टि गोपनीय सत्यापन में हुई। आज दिनांक 30 जुलाई को हमने ट्रैप का आयोजन रखा था। आज आवेदक को लेकर हम भानपुर आए। इन आवेदक के आवेदक श्री शिवराज सिंह द्वारा फोन लगाया गया फूलचंद जजावरे सचिव को कि मैं भानपुरा में हूँ, आपके पैसे लेके आ गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि आप रॉयल ढाबा नीमच रोड पर आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तो हम इनके साथ रॉयल ढाबा पहुँचे, आसपास हम तैनात हो गई लोकायुक्त की टीम छुपकर। जैसे ही इन्होंने रिश्वत की राशि उनके सचिव महोदय के हाथ में दी तो हमारी टीम ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई हम थाना भानपुरा पर लाकर कर रहे हैं। किन धाराओं में सर मामला दर्ज? धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जिसमें संशोधन हुआ है 2018 में, उसके अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। आपका नाम और पद? मैं सुनील कुमार तालान, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन।